शिमला आना और घूमना काफ़ी डिफ़िकल्टी का काम होता है। टूरिस्ट गाइड हायर करना हर किसी के बजट में नहीं आता। आपकी इन्हीं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए हमने शिमला से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस बनाई है और आज हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं शिमला के न्यू बस स्टैंड को, जो हज़ारों लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड होता है। साथ ही कुछ बसेस की टाइमिंग के बारे में हर चीज़ की डिटेल देने वाले हैं, जो लोकल्स के लिए भी काफ़ी यूज़फुल रहेगी। तो बने रहिए एंड तक इस वीडियो के साथ। सबसे पहले बात करते हैं एमएलए क्रॉसिंग की। एमएलए क्रॉसिंग न्यू बस स्टैंड क्रॉसिंग से थोड़ा आगे है। अगर आप ओल्ड बस स्टैंड से न्यू बस स्टैंड की तरफ आ रहे हैं तो आपको ये क्रॉसिंग पहले देखने को मिलती है। ऊपर की तरफ जाने वाला रोड समर हिल और बालूगंज की तरफ जाता है, वहीं नीचे वाला रोड सोलन, चंडीगढ़ और न्यू बस स्टैंड तक जाता है। बिलासपुर मंडी जैसी जगह को ये दोनों रास्ते जाते हैं, जहां एक वाया बालूगंज जाता है और दूसरा वाया चक्कर। अगर आप अपनी गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं तो वाया बालूगंज यानी ऊपर वाला रास्ता शॉर्ट है। वहीं अगर आपको वाया बस सोलन, चंडीगढ़, मनाली, बिलासपुर जैसी जगह जाना है तो मैं आपको बताता हूँ आपको बस कहाँ से मिलेगी। कई बार लोकल बसेस आपको एमएलए क्रॉसिंग पर ड्रॉप कर देती है, तो ऐसे में आपको ये रोड क्रॉस करना है और सीधे आगे चलना है। ये है न्यू बस स्टैंड क्रॉसिंग। अगर आपको न्यू बस स्टैंड जाना है तो आपको कुछ सीढ़ियाँ उतर कर यहाँ से बस मिल जाएगी। आमतौर पर लोग यही करते हैं, न्यू बस स्टैंड जाते हैं और वहाँ से बस लेकर वापस आते हैं, जबकि आपको न्यू बस स्टैंड क्रॉसिंग से थोड़ा पीछे तक जाकर टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर क्रॉस करते हुए इस मोड़ से बस लेनी चाहिए। आप देख भी रहे होंगे यहाँ पर सोलन और चंडीगढ़ की बसेस ऑलरेडी लगी होती है। वहीं बिलासपुर, हमीरपुर जैसी जगह जाने वाली बसेस भी इस पॉइंट पर रुकती है, तो आपके लिए यहाँ से बस लेना काफ़ी शॉर्ट रहेगा। अब बात करते हैं जब आप शिमला आते हैं तो आपको क्या करना है। शिमला के मेन टूरिस्ट प्लेसेस ओल्ड बस स्टैंड के पास है, तो आपको न्यू बस स्टैंड जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको सिंपली न्यू बस स्टैंड क्रॉसिंग पर उतरना है और कुछ सीढ़ियां चढ़कर यहां सामने बस स्टॉप से ओल्ड बस स्टैंड के लिए बस लेनी है। अगर आपको समर हिल और बालूगंज की तरफ जाना है तो आपको आगे एमएलए क्रॉसिंग तक जाना है और इस पॉइंट से आपको वहां के लिए बस मिल जाएगी। अब अगर आप इतने झंझट में नहीं पड़ना चाहते तो आप डायरेक्ट न्यू बस स्टैंड तक भी जा सकते हैं। अब मैं आपको न्यू बस स्टैंड के बारे में बताता हूँ। न्यू बस स्टैंड में आपको इस पॉइंट पर उतार दिया जाता है। हो सकता है आप अपर फ्लोर में भी उतर जाएं। वहाँ से आपको ग्राउंड फ्लोर पर आना है और यहाँ सामने से आपको ओल्ड बस स्टैंड के लिए बस मिल जाएगी। अब बात करते हैं अगर आपको न्यू बस स्टैंड से किसी और लोकेशन पर जाना है, जैसे हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, चंडीगढ़ की तरफ आपको बस कहाँ से मिलेगी। आप चाहें तो सामने इस पॉइंट पर जा सकते हैं। अगर आपको बस की टाइमिंग पता है तो यहाँ पर वेट कर सकते हैं। लॉन्ग रूट पर जाने वाली हर बस ऊपर से आती है और इस पॉइंट पर रुकती ही रुकती है, इसलिए आप यहाँ पर वेट करके उस बस में चढ़ सकते हैं या फिर आप ऊपर भी जा सकते हैं और ऊपर से डायरेक्ट बस ले सकते हैं। न्यू बस स्टैंड के अपर फ्लोर में आपको जगह जगह बसेस ही बसेस दिखाई देगी। अलग अलग लोकेशंस की बसेस के लिए अलग अलग बस स्टैंड बने हैं। आप यहां पर लोकेशन का नाम पढ़कर अपनी बस ढूंढ सकते हैं। अगर आपको बस का पता नहीं और अगर आप बस की टाइमिंग पता करना चाहते हैं तो यहीं आप रिसेप्शन पर बस का टाइम पता कर सकते हैं। अब आपको न्यू बस स्टैंड के बारे में बताते हैं। न्यू बस स्टैंड में भी काफ़ी शॉप्स हैं, साथ ही यहाँ पर आईएसपीटी में ही होटल भी आपको मिल जाता है और मूवीज़ के लिए थिएटर भी यहाँ पर है। ग्राउंड फ्लोर की इस स्क्रीन पर आपको काफ़ी बसेस की टाइमिंग लिखी हुई मिल जाती है, साथ ही बहुत से रेस्टोरेंट्स और स्ट्रीट फूड्स भी आप यहां ट्राई कर सकते हैं। यहां पर आपको पार्किंग एरिया भी मिल जाता है।
शिमला में घूमना उतना मुश्किल है नहीं। हमने शिमला से रिलेटेड काफ़ी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको दी है, जैसे होटल्स इन शिमला, पार्किंग, स्ट्रीट फूड्स, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट और भी बहुत कुछ। आपको हर वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने कोशिश की है आपको आसान शब्दों में सबको समझाने की। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पर एक कमेंट ज़रूर ड्रॉप करें। हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। किसी भी तरह के क्वेश्चन के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है official_KKSP। मिलते हैं जल्द किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।